वंदे मातरम गुरु जी। मैं महेंद्र सागर मध्य प्रदेश से, मैं काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, स्वदेशी को अपनाता हूँ। मुझे विभिन्न प्रकार के रोग हुए थे बचपन से ही, जिनमें से मेरे एक सिर में अभी चर्म रोग जैसा कुछ रोग था। मैं बहुत परेशान था, सर में बहुत खुजली होती थी, रोसी होती थी, बाल झड़ते थे, रात को सोना बहुत मुश्किल होता था। पर आपके हुए बताए मार्ग से, आप और दूसरों के अनुभव के द्वारा जो आपने घरेलू उपाय बताए हुए थे, जिनमें से नारियल का तेल, फुलाई हुई फिटकरी, फुलाए हुए सुहागा दो दो चम्मच, नींबू का रस अपने अनुसार, कभी मैंने कई बार बनाया हुआ है तो कभी एक ले लेता, कभी दो दो नींबू ले लेते हैं, और भीम सैनी का पूर, और अपने मैंने जो भी किया है अपने अनुसार जितना मैं कर पाया, तो कभी कभी इतना टाइम भी नहीं मिलता था तो हल्का फुल्का रात में ही लगाता था मैं, और बालों की वजह से इतना लगा भी नहीं पा रहा था, बाल छोटे छोटे कटवाने पड़े मुझे, करने पड़े अपने, जिसकी वजह से, और मुझे बहुत आराम हुआ। और जब भी, और ऐसी बात नहीं है, जब भी शरीर में कहीं भी दांत फोड़े फुंसी या खुजली उजली हुई तो उसी को इस्तेमाल करता था, जिससे, और कपूर के द्वारा बहुत ज़्यादा मुझे ठंडक भी मिलती थी, और मैंने खुद भी इस्तेमाल किया और अपने भाई बंधु को बना कर दिया, जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और एक छोटा लड़का हुआ था जिसे, जिसके पैर में दर्द था, वो भी मैंने आपके द्वारा होम्योपैथी कुछ दवाई मंगाई थी और घरेलू उपाय की थी, उसका भी पैर ठीक हुआ, उसे भी बहुत आराम मिला। तो बस यही कहना चाहता था कि अपनी घरेलू उपाय करें इनमें, और होम्योपैथी दवा इस्तेमाल करें।